सुखी राम और दुखी राम मित्र थे। कई दिनों के बाद जब दोनों मिले तो सुखी राम को अत्यंत खुश देखकर दुखी राम ने पूछा, सुखी राम बड़े खुश लग रहे हो, कोई लॉटरी जीत लिया है क्या? सुखी राम ने कहा, हाँ लॉटरी ही समझो, बस अभी हेमचंद जी से मिला, बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, सभी की मदद करते हैं, मेरी भी की थी, अगर वे ना होते तो शायद मैं अपने पुत्र को खो देता, अगर उसके इलाज के लिए वह समय पर पैसे ना देते तो अनर्थ हो जाता। मैंने उन्हें धीरे धीरे पैसे वापस तो कर दिए, परंतु उनका समय पर किया गया उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। दुखी राम ने कहा, परंतु हेमचंद तो मेरे साथ बड़े ही उग्र भाव से मिलता, मैं तो उसे देखकर दूसरी दिशा में चला जाता, मुझे तो भाई बहुत घबराहट होती है। सुखी राम बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहा, परंतु ऐसा क्यों? दुखी राम ने उत्तर दिया, उन्होंने मेरी भी मदद की थी, परंतु मैंने अभी तक उनका दिया हुआ पैसा वापस नहीं किया। ये कहानी एक महत्वपूर्ण विषय की ओर संकेत करती है, दूसरे हमसे कैसा व्यवहार करते हैं ये हमारे ही व्यवहार तथा चरित्र पर निर्भर करता है। यदि चरित्र पवित्र हो तथा व्यवहार विनम्र हो तो दूसरे हमारी सम्मान जरूर करेंगे तथा विनम्रता से व्यवहार करेंगे। यदि चरित्र में चालाकी जटिलता हो तथा व्यवहार में अहंकार भरा हुआ हो तो दूसरे हमारी सम्मान कभी नहीं कर सकते। हेमचंद से मिलकर सुखी राम खुश हुआ, परंतु उसी हेमचंद को देखकर दुखी राम घबराता रहा। क्यों? स्व व्यवहार के कारण। दूसरी चीज ये है, इस कहानी में दुखी राम के अनुसार पैसा ही लॉटरी या खुशी का मापदंड है, परंतु सुखी राम के लिए अच्छे तथा सच्चे संबंध खुशी की लॉटरी है, जो पैसे को अधिक महत्व देता, छल कर दूसरों से पैसे प्राप्त करता, उधार लिए गए पैसे को वापस नहीं देता, वह पूर्ण जीवन दुखी राम ही रहता, परंतु जो संबंध को महत्व देता, संबंध को सींचता तथा प्रेम से उसका पोषण करता, वह सर्वदा सुखी राम ही रहता।